हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मारा और आप देख रहे हो माई स्मार्ट ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी है, आज जाने वाले हैं सोनामर्ग। और अभी इस समय मैं हूँ सोनामर्ग रोड मामर कश्मीर, और यहाँ पर है हमारा दिल्ली दरबार, जो कि एक ढाबा है। यहीं पर हमें नाश्ता करना है, वहीं पर रुका हुआ हूँ। और ये जो रोड है, ये हमारा इधर जाता है, हाँ, लेह लद्दाख के लिए ये हाईवे है, जाता है लेह लद्दाख, कारगिल, इन सभी जगहों पर जाता है। तो फाइनली अभी मैं वहीं पर हूँ और आज हम जाने वाले हैं सोनामर्ग। सोनामर्ग में देखते हैं कैसी क्या है वहाँ पे, कितनी स्नो है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा नाश्ता करता हूँ, फिर बढ़ता हूँ अपनी जर्नी की तरफ। सो दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं हम दिल्ली दरबार में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी टेबल्स लगी हुई हैं, और ये आप देख सकते हो इधर। हम फाइनली इधर सूची की तरफ चलते हैं, मेनू देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे सूची लगी हुई है। ये आप देख सकते हो ड्रिंक हॉट इंडियन स्पेशलिस्ट वेज भी यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये अपना दिल्ली से है, फ्रॉम तंदूर। ये आप देख सकते हो रेड बोर्ड यहाँ का, और अंदर का व्यू आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है। इधर आप हाथ धुल सकते हो। तो चलिए पहले हाथ को करते हैं सैनिटाइज यहाँ पे। यहाँ पे सारी प्लेटें साफ़ हो गई हैं, इधर देखिए ये चुका भी नहीं, यहाँ पे काफ़ी मतलब ज़्यादा हो गया था, ये देखिए अभी उसी तरीके से रखा हुआ है, अभी काला जाम आ गया है यहाँ पे। आप बिल देख पा रहे हो, हम लोगों का बिल आ चुका है, जो कि 515 रुपए का बिल बना हुआ है, आप देख सकते हो।
जैसा कि आप देख पा रहे हो फाइनली हम पहुंचे हैं सोनमर्ग, और ये पीछे का नज़ारा आप देख पा रहे हो, ये हिल्स ये सोनमर्ग के हैं। और यहाँ पर अभी बात हो रही है शूज की, जैसा कि चंदनवाड़ी में हम लोगों ने शूज लिए थे, यानी 7 लोगों के लिए शूज लिए थे 200 रुपये में, तो यहाँ पर एक आदमी का 50 रुपये शूज का ले रहे हैं। और वैसे तो बताते हैं 200 रुपये हैं, लेकिन आपको जितना भी कम कराओगे वो हो जाएगा। देखते हैं कितने में शूज मिलता है। और यहाँ गाड़ी का जो गाड़ी से घूमोगे तो वो पॉइंट दिखाएगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 2200 रुपये में। आप देख सकते हो इस पर से चढ़ के जाना पड़ता है, बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ता है, ये रेलिंग लगी हुई है। तो हमारे भाई लोग यहाँ पे जा रहे हैं, हम भी जाएंगे इसी से। सो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो फाइनली हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पे ये जो स्नो यानी बर्फ है और काफ़ी ठंडी है, यहाँ पर गुलमर्ग से काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। गुलमर्ग में थोड़ा कम थी लेकिन बट यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से यहीं से बालटाल वहाँ से जाता है रूट हमारा श्री अमरनाथ यात्रा के लिए, जहाँ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से जाते हैं अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। और लेह लद्दाख के लिए ये रूट गया है। यहाँ के जो ये हिल्स हैं इन पर स्नो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये कौन से ज़िले में पड़ता है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा सोनामर्ग है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट गांधरीवाल में पड़ता है, गांधरीवाल बोलते हैं। अभी मैंने पूछा तो अजीब सा नाम है, समझ में नहीं आता। तो अभी यहाँ का चारों तरफ का व्यू दिखाने वाला हूँ जो काफ़ी अच्छा है। मेरा मास्क गिर गया था और रास्ते में ढूंढा पर मिला नहीं, ऊपर चलते हैं चढ़ाई करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए आ रहे हैं राइड करते हुए, ये देखिए ये देखिए कितनी स्पीड में आए हुए हैं ऊपर से। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फी पॉइंट फ़ोटो, यहाँ पे अच्छा होता है कि फ़ोटो चाहे गुलमर्ग में लो या सोनामर्ग में लो या चंदनवाड़ी में लो, जहाँ पर भी ऐसी स्नो है वहाँ पर एक ही जैसी फ़ोटो आती है। ये देखिए जा रहे हैं, ये देखिए भैया लोग आ रहे हैं सामने से, ये गाड़ी देखो हमारी तरफ से, ये देखिए राजधानी एक्सप्रेस ये देखिए राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पे बहुत ही बच के रहना पड़ेगा, दूसरी गाड़ी आ रही है अभी, इस बार बच के रहना। ये देखिए हम लोगों ने भी गुलमर्ग में ऐसा ही किया था, बट हमारा वीडियो यार विक्रम भैया ने शूट बहुत बेकार किया था। और इसका चार्ज मैं आपको बता देता हूँ कितना लेते हैं, इसका चार्ज आपको 1500 रुपये बोला जाएगा, बट 700-800 रुपये में हो जाएगा। तो अभी मैं रास्ते से जाता हूँ, उधर से रास्ता है, चढ़ता हूँ रास्ते से, और इधर से जाना अच्छा नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती रहती हैं, काफ़ी सारी एक्सप्रेस हैं, लोकल भी हैं, वो आती रहती हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो रही हैं, ये इधर देखिए DSLR, यार यहाँ पे आने वाला होता तो DSLR ज़रूर लेके आए, तभी फ़ोटो अच्छी यहाँ पे आ जाएंगी। इधर का व्यू देख सकते हो, इधर बाइक चल रही है। मैं झूठ ही बोलता हूँ, अपने मेरे कस्टमर आप हमारे मेहमान, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं वो आपकी ठीक है, आप भी हमारे उधर आइए तो आप लोग हमारे मेहमान हैं, आपके यहाँ मेहमान। सही बात है, जो जो वो हमारे है भी नहीं, स्कूटर हमारे नहीं होते, हम लोग और हम यूनियन वाले नहीं है, हम यहाँ से खींच के लेता है वहाँ से उतार के स्पीड में मैं जाऊँगा तो स्कूटर से जाऊँगा, मैं तो गाड़ी से नहीं, एक बार बैठा हमारी भूनी भी हो जाएगी। अरे आप लोगों की भूनी होगी, अभी कोई नहीं होता, नहीं नंबर होता, अगर यहाँ पे खुले में खुला होता फिर क्या था, फिर तो हम लोग दिन को कितना कमाते थे, यहाँ पे यूनियन होता नंबर होता है, हम लोग बैठ गए ना, जैसे आप लोगों के साथ भूमि खराब ना हो। ये वही तो स्कूटर है जो वहाँ गुलमर्ग में चल रहे थे, भैया हमने कहा।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी हम लोग पैदल पथ से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो जो है तो जो गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटर होते हैं, यही होता है इनका व्यवसाय। यहाँ से आप कमाई कर सकते हैं और ये अच्छा है थोड़ा। मतलब अभी यहाँ पर सुनो, कुछ दिन में चला जाएगा। उसके बाद इनके घर भी दो जगह पे होते हैं। जो जनवरी होता है, जनवरी में ये नीचे उतर जाते हैं और बाकी इस समय ऊपर आते हैं। टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर इनका थोड़ा बहुत आमदनी हो जाती है स्कूटर चला के या इस तरीके से ये वाली गाड़ी लेके। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आ जाएं? इधर साउथ गाड़ियाँ देख सकते हो, जो गाड़ियाँ चलती हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना एक निशान छोड़कर चलती हैं। देखिए ये निशान टाइम में बने हुए हैं और ये पूरा हमारा सोनामर्ग। यहाँ पे पैदल का रास्ता ज़्यादा अच्छा है, 500 रुपये ले लेते हैं नीचे से सिर्फ इस स्टॉल तक। यहाँ से ले जाएंगे फिर छोड़ देंगे, ठीक है? तो ये आपका 500 कम से कम ले लेंगे एक पर्सन का। इसका प्राइस पूछो विक्रम भाई, प्राइस क्या है इसका? 550। ये देखो पश्मीना शॉल है ना, जो कश्मीर में सबसे ज्यादा ट्रेंड है। सो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी फाइनली मैं बैठा हुआ हूँ सोनमर्ग में और पीछे का व्यू देख पा रहे हो, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा आपको आ रहा होगा देखने में। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई है, ठीक है? मैं कश्मीर की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कश्मीर में जितने भी घूमने लायक जगह हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, चंदनवाड़ी और मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, इन सब आरू वैली, इन सभी जगह पर इन फिल्मों की थोड़ा थोड़ा शॉट लिया गया, ठीक है? यहाँ पर बताते हैं राम तेरी गंगा मैली, बजरंगी भाईजान, जब तक है जान, हैदर और राजी, राजी फिल्म की भी शूटिंग हुई है। और इसे क्या बोलते हैं, राजी और कौन सी, हाँ फैंटम, हैदर और काफ़ी सारी मूवियों की यहाँ पे शूटिंग हुई। जितनी भी बर्फ़ वाली होती हैं सीन, वो सारी सीनें यहीं पर ली जाती हैं इधर ही कश्मीर में ही। और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सिलेज वाली अगर गाड़ी आप करते हो तो आपको कम से कम 1000 रुपये ले लेंगे वहाँ नीचे से। लेकिन बट अगर आप कम पैसा लेके आए हैं, बजट कम है आपके पास, वो भी हो जाएगा। आप सभी जगह पे घूमिए, गाड़ी से अपनी बुक कीजिए और उसके बाद घूमिए पूरा। और घूमने के बाद वहाँ पर आप कहीं पर भी बाइक, मतलब सिलेज गाड़ी या स्कूटर मत करिए, ठीक है? बाकी आप इधर इस तरीके से घूम के नज़ारा यहाँ का ले सकते हैं। बाकी खाने पीने की चीज़ें रहीं, मैगी वैगी लेना है मैगी लेना, काबा, कश्मीरी काबा, चाय, वाटर, ये सब आप नीचे ही ले लीजिए। और वाटर और बाकी ऊपर तो थोड़ा रेट बढ़ जाता है उसका। 20 वाली बोतल आपको 30 की मिलेगी, काबा आपको यहाँ पे 35 रुपये का मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे जो बंदे हैं वो मतलब स्नो को एक दूसरे के अंदर डाल रहे हैं, तो स्नो आप देख सकते हो, ये देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ देखने में यहाँ पे। तो अभी आपको नज़ारा यहाँ का दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ सोनमर्ग में, ये देखिए कितने बड़े बड़े हिल हैं, ये आप देख पा रहे हो। इन पे टॉप पे नहीं आप जा सकते हो क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर हैं। और यहाँ पे पेड़ आप देख सकते हो, ये देखिए चोटियाँ चारों तरफ। और ये देखिए, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है क्या नाम था उसका, बाल्टन, हाँ शायद यही नाम था, जहाँ से श्री अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। हेलीपैड यहीं से भी मिलते हैं। तो ये आप नज़ारा देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी अच्छा। और अभी मुझे जाना है उस घर के पास, वहाँ पे चलता हूँ। पर यहाँ पर पानी जो है स्नो गिरी हुई है और पानी जो है जम गया है। और ये होगा जब हम लोग 1 रुपए की खाते हैं उसी तरीके से। और ये मैं देखने के लिए कब से वो था, इसको मैं तोड़ता हूँ। अरे 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 अरे, पूरा यार टूट गया। अरे यार
मेरे नसीब में ही नहीं ये लग रहा यार। अमित ब्रो इसको तोड़ना। अरे यार मुझे नहीं लगता ये मेरे से टूटेगा क्योंकि मेरी हाइट छोटी है भाई। ब्रो प्लीज़ खिला दो ना, मेरे को भी गरीब आदमी हूँ। एक आइसक्रीम तो बता ना को ये क्या क्या है। अरे यार वही नहीं पकड़े यार पचंगी भाई जान। अरे इतना ऊपर टूट गया बस जलाई जाओ। ये देखिए मेरे हाथ में आ गया हथियार। क्या मोई दिया कौन पिक्चर बनी। सो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मुझे यहाँ पे बर्फ मिल चुकी है। ये जो पीछे आप घर देख रहे हो इस पे जो है स्नो गिरी हुई थी तो वो जम गई है। तो ये ऐसा हो गया यहाँ बर्फ खाने में ज़्यादा मजा आ रहा है। वहाँ टोड़ा रहा है यहाँ पर ज़्यादा देखो भाई मैं बर्फ खाने का मजा ही दूसरा होता हूँ। वहाँ पे अभी फोटो क्लिक करवाएंगे एक दो। सो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं अभी फाइनली उधर था। उधर से चढ़ते हुए मैं पेड़ों के बीच में आ गया। ये देखिए बर्फ़ कैसे जमी हुई है, कितनी मोटी बर्फ़। ये देखिए यहाँ पे चीड़ और देवदार के पेड़। और ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ इधर आप देख सकते हो। इधर चढ़ते चले जाओगे सुनो। और यहाँ पे पेंट के पास नहीं है तो मैं वहीं पे रुका हुआ हूँ। तो आप देख सकते हो ये पूरा ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ का। अब उल्टा वैसे बैठो। ये जीवन जितनी बार मिले या बार मुझे रुको ए यार दब दो आओ तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ऊपर हूँ और जो बर्फ है मेरे जूतों में चली गई है। तो फाइनली अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ। यार बहुत ज़्यादा यार दिक्कत हो रही है मुझे, नीचे जूते निकालने पड़ेंगे। आ रहा हूँ रुको कूल डाउन। तो काफ़ी ठंडक हो रही है, पहले सूज निकालता हूँ। ये है देखो भाई का जलवा देखो सोना में उघाड़ उघाड़। अरे बहुत गर्मी हो रही है यार। गर्मी नहीं फटी जा रही है मेरी वीडियो मैंने सूज निकाल दिए हैं। ये देखिए कैसे हो गए। ओ फो फायर देखो एक सूजा ये सूज ये दूसरा ये। यार मेरे तो हालत खराब हो गई यार। मजा आएगा अब अगर घूमने आते हो तो इस तरीके से पूरी रोड होगी। रोड पर आओगे तो कहीं कहीं एकदम से पानी मिलेगा। फिल्मों में जैसे दिखाते हैं एकदम से नीचे चले जाते हैं वही है। यहाँ पे मत जाइएगा, ये झील है देखिए पानी यहाँ पे भरा हुआ पूरा। और ये देखिए उसी पे ये लोग आ रहे हैं। तो यहाँ यार बहुत। सो दोस्तों फाइनली हम जाने वाले हैं, अभी वहाँ से आने वाले हैं। ये आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा।
मैं इधर से जा रहा हूँ ये नीचे की तरफ, आप देख सकते हो। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा यहाँ पर, आप देख सकते हो चश्मा, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अगर ये मेरा मोबाइल सुनो मैं गिर गया ना तो पूरा ख़राब हो जाएगा। काफ़ी ठंडी हो रही है, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से मैं वापस रिटर्न जाना है चढ़ के, इधर से जाना है ना, चढ़ो भैया। ये एकमात्र सीढ़ी आगे ना, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया पूरा सोनमर्ग, और यहाँ पे कुछ ज़रूरी जानकारी है वो मैं देना चाहूँगा कि अगर आपके पास बजट कम है तो सोनमर्ग आइए, आप ना ही स्लेश राइडिंग करिए ना ही उस बाइक वाले का राइडिंग करिए, ठीक है। अगर राइडिंग करना तो मैं सस्ता तरीका भी बता देता हूँ, आप पहले यहाँ पर आइए और किसी से भी बात मत करिए, आप अपनी जर्नी चालू कर दीजिए ऊपर के लिए जहाँ पर व्यू पॉइंट है, ठीक है वहाँ पे। और उसके बाद जो है आप क्या करना, अगर आपको ये करना है तो उधर से वापसी में कर लेना, ठीक है। इधर से लेंगे 1200 रुपये, उधर से आपको हाफ पड़ जाएगा, आपके बजट के अनुसार थोड़ा बहुत माइनेज हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे चारों तरफ व्यू पॉइंट अच्छे अच्छे देखने लायक हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइए, वीडियो अच्छा लगा हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।